काफी टाइम बाद ऐसी स्नो देखी है, तो और अब बर्फबारी काफी जोर से शुरू हो गई है। और फिर से स्नोफॉल शुरू हो चुका है। और रजत भाई को लग रहा है मैं राणा भाई ये है वो होम स्टे जहाँ आज हम रुके हुए हैं। काफी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, इतनी सुंदर जगह में इस तरह का आपको रहने को मिल जाए तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए होता है। और व्यू आप देख सकते हो आसपास का कितना खूबसूरत है, पूरा स्नोई एरिया है और हल्की स्नोफॉल अभी हो चुकी है। सुबह के 10:30 बजे हैं और अब ढंग से बर्फबारी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। इससे पहले थोड़ा लाइट स्नोफॉल हो रहा था, बारिश ज्यादा थी, बर्फ कम थी, पर अब प्रॉपर स्नोफॉल जिसे बोलते हैं वो हो रहा है। और त्रिवेंद्री का ग्राउंड बिल्कुल सफेद हो चुका है। बहुत दिनों से मैं चाहता था कि मैं लाइव स्नोफॉल देखूं। हमारा घर 850 मीटर की हाइट पे है, 4 साल में एक आध बार बर्फ पड़ती है, वो भी 10-15 मिनट के लिए। तो मैं बड़े सालों से सोच रहा था कि मैं कहीं किसी ऐसी जगह में जाऊं जहां लाइव स्नोफॉल देख सकूं। फिर मुझे इस जगह का पता लगा तो मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो राणा भाई का मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट मिला तो उनसे बात हुई, तो वो भी एग्री हो गए यहाँ पर आने के लिए। सारी फैसिलिटी है, थोड़ा सा काम अभी इंटीरियर वर्क बचा है इस होम स्टे का। विद इन 4 मंथ्स ये ओपन होने वाला है। फिर भी अगर अभी भी आना चाहते हो तो मैं वीडियो के लिंक में जो ओनर है वीके राणा उनका नंबर दे रहा हूँ, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। करो स्कीइंग वगैरह करो यहाँ पर और कपड़े में गीले करना भाई मेरे को यहीं भी लगा पहले इससे पहले आराम से। छाते की कमी है बस, हम अपने 2 छाते रूम में ही भूल के आ गए थे और यहाँ पे छाते की थोड़ी सी कमी। यहाँ पर स्कीइंग कॉम्पिटिशन रखा गया है, उसमें यह है कि वो जो नीचे शेल्टर दिख रहे हैं आपको, मैं राणा भाई और रजत यहाँ से भाग के जाएंगे और देखते हैं कौन नीचे पहुंचता है वो शेल्टर तक। बीच में जो गिर गया वो गिर गया, वो डिस्क्वालीफाई, और जो पहुंच गया पहले वो जीता। तो रेडी, आर यू रेडी? यस। 1 2 3 गो। फास्ट। आई एम विनर। रजत भाई को लग रहा है। क्या बात है। 3 बजे का समय हो चुका है और बर्फ बढ़ती जा रही है। तकरीबन 5 इंच बर्फ हो चुकी है और हम पूरा इंजॉय यहाँ पर ले रहे हैं। कभी स्केटिंग कर रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी उछल रहे हैं। काफी टाइम बाद ऐसी स्नो देखी है तो सारे एक्साइटेड हैं। शाम के 5 बजे हैं और अब बर्फबारी काफी जोर से शुरू हो गई है और वेदर फोरकास्ट के अनुसार 5 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे तक 100% बताई हुई है बारिश। तो मतलब ये है कि अगर इसी तरह से यहाँ पर बारिश होती रही, तकरीबन 5-4 इंच बर्फ हो चुकी है और सुबह तक लगती रही, तो फुट बर्फ हम आपको दिखाएंगे कल सुबह। बहुत ही शानदार व्यू हो चुका है, वो बिल्कुल पीस जिसको बोलते हैं ना, शांति वाला माहौल बन जाता है जब बर्फ पड़ती है। और ये देखिए सब कुछ व्हाइट हो चुका है, मंदिर बिल्कुल सफेद हो चुका है। और नेट के अनुसार ठीक 5 बजे बताया था और 5 बजे यहाँ पर
जोरों से बर्फबारी शुरू हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है और तकरीबन यहाँ पर 1.25 फुट बर्फ गिर चुकी है। सारी रात भर यहाँ पर स्नोफॉल हुआ। 8 बजे का टाइम है, फिर से स्नोफॉल शुरू हो चुका है और काफी टेम्परेचर लो हो चुका है। बैटरी भी बिल्कुल ड्रेन हो जा रही है बार बार, और बहुत ही ऑसम व्यू हो चुका है। अब हमने यहाँ से निकलना है और सारे पेड़ बर्फ से लद चुके हैं और साथ में तिरुंदी फेयर ग्राउंड, और ये देख सकते हो आप बिल्कुल वाइट हो चुका है। ये मेरे फुट स्टेप, ये देखिए, और ये देख सकते हो ये दरवाजा पूरा बर्फ से ढक चुका है। यहाँ पर तिरुंदी माता का मंदिर है, बर्फ चेक कीजिए आप, 1.5 फुट लगभग, 1.5 फुट बर्फ यहाँ पर है अभी। और नीचे की तरफ को सलूनी तक बर्फ नहीं पहुंची अभी। 9:30 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पर मौसम थोड़ा सा रुक चुका है, और हमने अपना बैग वगैरह पैक करके हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये है भाईचारा, ये देखिए आसपास का व्यू, कम से कम 1.5 फीट बर्फ है और थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, और यही सही समय है नीचे की तरफ जाने के लिए, और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पर। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि इसके बाद 2-3 दिन मौसम फिर से ख़राब बताया हुआ है, तो लेट्स गो। और ये देखिए इस तरफ को सारी पूरी वैली यहाँ से दिख रही है, सलूनी वैली, और ये है काफ़ी खूबसूरत व्यू है, मज़ेदार। तिरुंदी माता का मंदिर, जय माता दी, और देख सकते हैं छत में पूरी बर्फ है। और ये है हमारा ग्राउंड तिरुंदी का, क्या व्यू है, ज़बरदस्त। हालांकि नीचे की तरफ वैली में ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ी है, सिर्फ हाइट वाले एरियाज में तकरीबन 2000 मीटर के ऊपर के जो एरिया हैं वहीं पे बर्फ पड़ी है। यहाँ पे तो मेरे को लगता तकरीबन 1.25 फीट बर्फ है बीच बीच में, वो रास्ते का पता नहीं लग रहा है।